तुमको पता है सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे को 250 रुपये में मिल रहा था, अब 1,000 रुपये का हो गया है। पहले तो ले लेना चाहिए था यार, अच्छा कंटेंट डाल रहे हो वो लोग। यो व्हाट अप, दिस मृदुल एंड यू वॉचिंग टॉकिंग पिक्चर्स। एंड आज हम रिव्यू करेंगे सोनी लिव एक्सक्लूसिव मूवी भोसले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। स्टोरी बेसिकली ये है कि भोसले जी जो हैं वो बेसिकली एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और उनके पास आजकल कुछ करने के लिए ज़्यादा है नहीं। उनके चौली में अपने उनके आसपास के लोग रहते हैं, वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। एक कुछ मराठी हैं, कुछ फिर यूपी बिहार के लोग हैं जिनको यूजुअली भैया लोग कहा जाता है, तो वो है। अब बेसिकली ये जो पूरी स्टोरी है वो इस पे बनी हुई है कि एक कैरेक्टर है जो कि चाहता है कि मराठी लोगों का उद्धार हो, उनके जो सिटी है उसके अंदर सिर्फ मराठी लोग रहे और ये भैया लोग ना रहे। तो उनके बीच के लड़ाई झगड़े और कैसे कैसे किस मोड़ पे ले जाते हैं, तो ये बेसिकली मूवी है भोसले। सो लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट। कास्ट में हमारे पास है मनोज बाजपेयी, संतोष दुवेकर, ईप्सिता चक्रवर्ती सिंह, और ये पिक्चर डायरेक्ट करी है देवांशीष माखीजा के द्वारा। सो लेट मी शेयर माई थॉट्स विथ यू। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये मूवी अच्छी लगी, बहुत ही एक्सेप्शनली गुड नहीं थी, अच्छी थी। बेसिकली ऐसी टाइप की जो मूवी होती है उसके अंदर मेनली स्टोरीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और स्टोरी के साथ साथ में जिस तरीके की परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत मैटर करती है। एंड द मेन थिंग विच मैटर्स टू मी द मोस्ट इज़ कि हाउ इज़ द पेस ऑफ द मूवी। क्योंकि क्या होता है कि पेस अगर स्लो हो जाता है ना, तो फिर ये जो आर्ट मूवीज़ होती है वो बहुत जल्दी बोर होने लगती है। तो पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड उसके साथ में एक अच्छी एक्टिंग, अच्छी सिनेमाटोग्राफी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके अलावा मुझे इस मूवी की जो फर्स्ट 30 मिनट्स थे वो बहुत ही अमेजिंग लगी, बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत सटीक थे। बट उसके बाद में मूवी थोड़ी सी ढीली पड़ने लग गई, मतलब ऐसा कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, थोड़ा सा रिपीटेशन टाइप लगने लगा था। इसलिए मुझे फिर उसके बाद की थोड़ी स्लो पेस्ड, एंड मेरे साथ मोस्टली ये हो रहा था कि मैं बार बार देख रहा था कि अच्छा अभी 1 घंटे की हो गई है, अभी आधे घंटे की और बची हुई है, तो ऐसे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई एक्चुअली लुक फॉर इफ़ आई एम लाइक एक्चुअली वॉचिंग द मूवी एंड कम्प्लीटली एनग्रोस्ड इन द मूवी। इसके अलावा ये जो मूवी का जो स्टोरी थी और जो मैसेज निकला उस मूवी से, तो वो बहुत अच्छा था। मतलब आई थिंक बहुत बार इसको लिया गया है ऐसे मैसेज को, बट इसमें भी जो दिखाया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके अलावा एक्टिंग भी सभी लोगों ने बहुत अच्छी करी। मनोज बाजपेयी मतलब एक्चुअली में एकदम साधारण, थोड़ा परेशान, थोड़ा गरीब टाइप का मानूस दिखा है, तो दैट वॉज वेरी गुड। और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या ये मूवी आप अपने माँ बाप के साथ देख सकते हैं? ज़रूर ये मूवी आप अपने माँ बाप के साथ देख सकते हैं। ऐसी कोई न्यूडिटी नहीं है या एक दो जगह पे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी है, बट उसको बहुत प्यारी तरीके से डक किया है, तो दैट्स वेरी ग्रेट। एंड डेफिनेटली यार आप देख सकते हो मूवी अपने माँ बाप के साथ। सो लेट मी शेयर माई रेटिंग्स विथ यू। आई विल गिव दिस मूवी अ 2.5 out of 5 stars। अच्छी थी मूवी, एक बार देख सकते हो, एंड सोनी लिव पर अवेलेबल है। यार सोनी लिव वाले पता है नया नया कंटेंट ला रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है यार देख के। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको मनोज बाजपेयी कैसा लगता है। टिल देन, बाय बाय।